आज निर्मला सीतारमण। हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार सुबह की फाइनेंशियल न्यूज के साथ हम घर से फिर से लाइव हैं। आज बात करते हैं पहले मार्केट की। मार्केट स्टार्ट होते ही ग्रीन था, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन है। अभी सेंसेक्स 314 पॉइंट ऊपर चल रहा है, निफ्टी 85 पॉइंट ऊपर चल रहा है। यानी कि जो मार्केट में आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा है। खुलते ही ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, ये चलता जा रहा है। लेकिन कहना मुश्किल है कि कब तक स्टेबल रहेगा और इस तरह से कब तक आप मार्केट को देख पाएंगे ग्रीन, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। अब बात करते हैं फाइनेंस बिल की। लोकसभा ने कल फाइनेंस बिल को पास कर दिया है। उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन उसमें बहुत तरह के चेंजेस कर दिए गए। पहला चेंजेस ये किया गया कि जो TCS 5% था ऑन फॉरेन रेमिटेंस, उसको डेफर करके 1 अक्टूबर 2020 तक के लिए डेफर कर दिया, पहली चीज। दूसरी, उसमें जो चेंजेस आए, उन्होंने कहा कि जो TCS ऑन ई कॉमर्स था उसको भी डेफर कर दिया 1 अक्टूबर तक के लिए। यानी एक बहुत ही जरूरी राहत कह सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होने वाली थी उसे भी डेफर कर दिया गया। साथ के साथ कैट विड्रॉल में भी थोड़ी सी चेंजेस कर दी। 2% TDS ऑन 20 लाख के प्लस विड्रॉल पे, वो भी 1 जुलाई से। 5% का TDS 1 करोड़ प्लस पे विड्रॉवल इफ नो रिटर्न फाइल इन लास्ट 3 इयर्स, इस तरह के अमेंडमेंट किए गए हैं। NRI पे बहुत ही मेजर चेंजेस किए गए हैं। NRI पे हम बाद में बात करेंगे, उसके पहले मार्केट के सारे इंफॉर्मेशन एक बार समझ लेते हैं और फिर हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले की बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी जो अमेंडमेंट किया है पेट्रोल एंड डीजल में 8 रुपये तक के, उन्होंने लॉ में अमेंड कर दिया, 8 रुपये तक को एक बार में हाइक कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। BS4 की 7 लाख गाड़ियां मार्केट में अभी खड़ी हैं स्टॉक में। हो सकता है इनका डेडलाइन भी ऑलरेडी नज़दीक आ चुका है, लेकिन देखते हैं कि इसके डेडलाइन को क्या कहा जाता है। फिक्की ने गवर्नमेंट से कहा है कि MSME जहां पे अगर उनकी लिक्विडिटी को ध्यान नहीं दिया गया तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकती है। उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि कृपया आप इस पे जल्दी से जल्दी कोई करेक्टिव एक्शन ले। फेड ने कहा है कि अभी तक का वो बहुत बड़ा एग्रेसिव मूव लेने वाले हैं। उस एग्रेसिव मूव में उनका कहना है कि वो 800 बिलियन की एसेट बाइंग करेंगे, 800 बिलियन की बाइंग करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन की बाई करेंगे और प्लस उन्होंने कुछ और भी कहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 800 बिलियन की बाइंग होगी जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होंगे। ये पहली बार ऐसा होगा। RIL ने एक ऑलरेडी कोरोना से रिलेटेड एक हॉस्पिटल ही खड़ा कर दिया है, जो कि केवल कोरोना के लिए देखा जाएगा। ये पहला उस तरह का हॉस्पिटल होगा। अब बात करते हैं कि NRI की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है तो उस पर कहा गया था गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू टैक्स ग्लोबल इनकम NRI हु आर नॉट टैक्सेबल। ये पहले था, उन्होंने पहले क्या कहा, मैं उसी को कोट कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई इनकम हो रही जो कि कहीं भी टैक्सेबल नहीं है, आप NRI हैं तो इंडिया में होगा। उसको उन्होंने मॉडिफाई करके उसमें क्लियरिफाई कर दिया कि NRI ड्राइव फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन इंडिया अंडरटेक एनी प्रोफेशन और एनी कंट्री टू बी टैक्सेबल। अगर आप इंडिया में किसी तरह का कर रहे हैं तभी होगा। दिस वे द एंटी अब्यूज प्रोविजन, उन्होंने उसको डिक्लाइन करने की कोशिश की और कहा कि हम इसी तरह का किसी भी तरह का एंटी अब्यूज नहीं करना चाहते। द गवर्नमेंट हैज नाउ अमेंड द बजट प्रोविजन टैक्स ओनली दोज इंडियन सिटीजन हु हैव स्टे इन कंट्री फॉर मोर पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर आई हैड टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम द फॉरन रिसोर्स एक्सीडिंग 15 लाख, यानी 120 दिन रहता हो और 15 लाख से ज़्यादा की अगर उनकी इनकम होगी तभी टैक्सेबल होगा। पहले क्या था कि अगर आपके पास, आपने किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं और कहीं टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और आप NRI हैं तो आपकी ग्लोबल टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगी। इस कह सकते कि बहुत ही ये इसकी बहुत आलोचना की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मॉडिफाई करके इसको चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि और क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।